ब्रेन बस्ट में आप सबका बहुत स्वागत। आज फ्राइडे वाले दिन हम आपके सामने जो है हमेशा हाजिर होते हैं और आप लोगों का साथ होता है, बड़ा अच्छा लगता है। और हर हफ्ते की तरह हम कोशिश करते हैं कि कोई ना कोई नई चीज़ आपके सामने पेश करें, लेकिन आज जो टॉपिक्स हैं वो वही हैं जो हिंदुस्तान में हर चैनल के ऊपर चल रहे हैं, लेकिन हम कनाडा में बैठे हुए हैं तो हमने भी सोचा कि हम भी ज़रा उसको डिस्कस करें। आज एक तो हम करेंगे कर्नाटका के बारे में बात, और दूसरी करेंगे कि शरद पवार जो हैं उनकी क्या इम्पोर्टेंस है हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में। क्या अभी भी वो उतने ही कद्दार लीडर हैं जितने वो हुआ करते थे आज से 15-20 साल, या उनका जो कद है वो काफ़ी नीचे आ चुका हुआ है। तो इन दो बातों पर बातें करेंगे। हमारे साथ बहुत ही टॉप क्लास के जर्नलिस्ट हैं हिंदुस्तान से, जिनको आप कई टीवियों के ऊपर देखते हो। ये तकरीबन हर रोज़ किसी न किसी टीवियों के ऊपर होते हैं। बात करेंगे सबसे पहले प्रेम कुमार जी की। ये नोन जर्नलिस्ट हैं, वेटरन जर्नलिस्ट हैं जी, और इनको आप कई टीवियों के ऊपर देखते हैं, और बड़ी धड़ल्लेदार आवाज़ जी अगर आप सुनते हो टीवियों के ऊपर, तो वो AK मिश्रा जी हैं जो कि बड़े जोश के साथ आप लोगों के सामने पेश होते हैं। आप दोनों का स्वागत। थैंक यू डॉक्टर साहब। बात करते हैं, मैं प्रोग्राम देख रहा था प्रेम जी, ABP। ABP जो है वो माना जाता है कि वो प्रो मोदी चैनल है, और उसके ऊपर खास करके जो मिस लियाकत हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, वो तो ओपनली कहती हैं कि मैं मोदी साहब के साथ हूं और मुझे उन्हीं के गुण गाने हैं। तो 1 घंटा 10 मिनट का प्रोग्राम था जो ABP के ऊपर उन्होंने कर्नाटका के ऊपर वोटिंग पैटर्न जो है वो बताया, और लियाकत खुद मतलब 1 घंटा 10 मिनट बोलती रही। उसमें उन्होंने कांग्रेस को क्लियर लीड दिया, ABP लियाकत, उन्होंने उनको क्लियर लीड दी, और BJP को 30-40 सीटें पीछे रखी, और JD जो है जी उसको 20 और 25 के बीच में रखा। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो अब अगले 4-5 दिन वहाँ मोदी जी गए हुए हैं, जो उनका पर्सनल वहाँ पर लोगों के बीच में इज्जत मान है, उसका क्या इफेक्ट होगा? क्या वो इस ट्रेंड को चेंज कर सकेंगे या नहीं? आपने तो बहुत डिस्कशन किया कर्नाटका के ऊपर, लेकिन पहले तो ये बताइए कि ABP का जो सर्वे है वो आपको कितना ठीक लगता है, और सेकंडली क्या लास्ट अब 3-4 दिन में जी जो है मोदी जी इस ट्रेंड को चेंज कर सकेंगे या नहीं? पहले प्रेम जी आपसे शुरू करते हैं। जी शुक्रिया डॉक्टर रणवीर जी। जो ABP पर सर्वे है वो सर्वे यशवंत जी का है, आता है, और यशवंत जी सी वोटर के सर्वे सर्वा हैं, दुनिया में उनकी ख्याति है। लेकिन मेरा भी एक अनुभव है उनके साथ काम करने का, शुरुआती समय में जब मैं सहारा समय में हुआ करता था, और उस समय जो यादें हैं उसके हिसाब से मैं मुझे कभी यशवंत जी विश्वसनीय लगे नहीं। उनके काम करने की शैली को मैंने नजदीक से देखा। इसके अलावा एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ था 2011-12 के आसपास में, जिसमें कि यशवंत जी ने कहा था ओपनली स्टिंग ऑपरेशन में कि वो पैसे लेकर के 2-4-5% वोट इधर से उधर दिखा सके। ये ओपन बात है, उन्होंने ये बात कही। तो इसलिए मैं ऐसे सर्वे की विश्वसनीयता पर क्या बोलूं, मुझे तो बोलने में भी शर्मिंदगी महसूस होती है। दुनिया मानती होगी इस सर्वे को, मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं। नहीं प्रेम जी, देखिए वो जो आपके साथी हैं उनको तो आप छोड़िए, उन्होंने किया नहीं किया, लेकिन ABP ने जब उसको अनाउंस किया बकायदा रीजन 6 रीजन बनाकर,
उनको अनाउंस किया तो वहाँ एबीपी की भी प्रेस्टीज आ जाती है और जो मिस लियाकत बड़ी नॉन जर्नलिस्ट हैं उनकी भी प्रेस्टीज आ जाती है। कि आप सही कहते हैं कि प्रेस्टीज आती है, लेकिन इस प्रेस्टीज को चैनल्स कहाँ ओन करते हैं? यही सर्वेयर हर बार गलत होते हैं और उसके बाद में कभी टेलीविजन चैनल उस पर क्षमा नहीं, कभी स्पष्टीकरण नहीं दे। हमने तो देखा ही नहीं कि कभी ऑन ऑन किया। एक बिजनेस हो गया है कि इमोशंस को, इस सर्वे किसी भी खास सर्वे को आप लीजिए, उनके दो महीने के बीच के सर्वे को देखिए और उसके सर्वे लगातार बदलते रहते हैं, उसकी कभी परीक्षा नहीं होती, उनको कभी जवाब नहीं देना पड़ता, उनसे कभी पूछा नहीं जाता, वो कभी सॉरी नहीं बोलते और फिर अचानक से, मैं पैटर्न बता देता हूँ ना। चलिए बहुत पहले, चलिए आप सर्वे को छोड़िए, आप बताइए कि कर्नाटका की क्या सिचुएशन है। जी कर्नाटक में निश्चित रूप से सत्ता बदलने जा रही है, ये दिख रहा है, ये इसे सब लोग मान रहे हैं और ये सर्वे भी मान रहा है कि सत्ता बदल रही है। अब किस हिसाब से सत्ता बदल रही है और उसको देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने वहां एक पॉलिटिक्स को शिफ्ट करने की कोशिश की है, जो लिंगायत ओरिएंटेड पॉलिटिक्स वहां हुआ करती थी, जिसमें बीजेपी बहुमत में कभी नहीं आ सकी लेकिन प्रमुखता जरूर पा गई उस पॉलिटिक्स के तहत। अपने दम पर बीजेपी को कर्नाटक में कभी आज तक बहुमत नहीं मिला, तो अब बहुमत कैसे मिले, यानी लिंगायत पॉलिटिक्स से थोड़ा शिफ्ट हो, इस पर बीजेपी ने वर्क करना शुरू किया। तो इसकी जो प्रतिक्रिया बीजेपी में हुई वो बीजेपी को इस चुनाव में नुकसान दे रही है। हो सकता है कि आने वाले समय में ये जो शिफ्ट हुआ है पॉलिटिक्स का उनका, इससे उनको फायदा हो, ये उन्होंने फ्यूचर पॉलिटिक्स के हिसाब से इसको शिफ्ट किया है। हम मानते हैं जैसे उन्होंने महाराष्ट्र में मराठा सियासत को शिफ्ट किया किसी और, हरियाणा में उन्होंने जाट सियासत को शिफ्ट किया किसी और तरीके से, उसी तरीके से कर्नाटक में भी उन्होंने कोशिश की है, लेकिन फिलहाल इस चुनाव में उसको, उनको इस बात से नुकसान होता हुआ दिख रहा है। लिंगायतों में भी जो है रोष है, उनके बहुत बड़े बड़े नेता छोड़कर गए हैं, पार्टी छोड़कर गए हैं। इसके अलावा ये एक बात हुई, दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि जो एंटी इनकम्बेंसी के रूप में करप्शन का मुद्दा है वो लोगों की जुबान पर चढ़, एंटी इनकम्बेंसी तो हर सरकार में दिखती है लेकिन यहाँ एक 40% कमीशन वाली बात जुबान पर चढ़ गई। और तीसरी जो महत्वपूर्ण बात थी वो है कि जो नंदिनी और अमूल का जो विवाद हुआ उसमें कर्नाटक अस्मिता बनाम गुजरात अस्मिता की लड़ाई छिड़ गई, जिसमें इसका की जिसको कांग्रेस ने इनकैश किया है। अब तक इसकी काट के लिए बीजेपी ने कोशिश की कि अपने घोषणा पत्र में आधा लीटर नंदिनी का दूध सबको दिया जाएगा फ्री में, ये घोषणा की है, लेकिन इसकी भरपाई हो नहीं पा रही, इस चीज को बीजेपी भी समझ रही। तो ये दो तीन फैक्टर्स हैं जो बीजेपी को बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि पार्टी का संगठनात्मक जो फैक्टर है वो सबसे सबसे नंबर वन है बीजेपी को नुकसान करने के ख्याल से। मिश्रा जी, इसमें तो कोई शक नहीं कि आज तक बीजेपी को वहां पर, जब से मैं इलेक्शन वॉच कर रहा हूं, उनको कभी मेजॉरिटी नहीं मिली जी। समटाइम्स मेजर पार्टी आ जाती हैं लेकिन उनके पास बड़े रसूख होते हैं कि कैसे MLO को बाद में तोड़ लेना, कैसे अपने साथ मिला लेना। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आधा लीटर नंदिनी दूध, उससे तो घर की चाय भी नहीं बनती, नंबर एक। नंबर दो, आप इस सर्वे को जी कितना समझते हैं कि इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि मिस लियाकत जो हैं वो अपनी इस प्रेस्टीज को इतना बड़े दाव पर लगा देंगी, ये मुझे समझ नहीं आती, क्योंकि शी इज़ वन ऑफ द टॉप जर्नलिस्ट एट दिस मोमेंट। और उसके साथ ये बताइए मुझे आप कि ये मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखा किसी स्टेट इलेक्शन में प्रधानमंत्री 20-22 जी अपने वहाँ पर जाके पब्लिक मीटिंगें करें, होम मिनिस्टर यानी कि सारे हिंदुस्तान के चीफ मिनिस्टर सारे बीजेपी के और सारे हिंदुस्तान की सेंट्रल
गवर्नमेंट के लीडर्स वहां पहुंचे हुए हैं, इसका क्या इफेक्ट होगा इलेक्शन के ऊपर? डॉक्टर साहब आप सभी को नमस्कार और आपके सभी प्रबुद्ध दर्शक अक्रॉस वर्ल्ड जो इस वक्त देख रहे हैं उन सबका भी अभिवादन। आपने शुरुआत किया था आधा लीटर नंदिनी दूध से, तो मैं आपको बता दूं इंडिया का एवरेज पर कैपिटा जो अवेलेबिलिटी है मिल्क की वो कुछ 600-700 मिलीलीटर ही है, यानी एक वस्तु आधा लीटर। पंजाब में हाईएस्ट है, लगभग 900 मिलीलीटर एक आदमी को दूध वहां मिलता है। तो आधा लीटर दूध का मतलब ये हो गया कि जो नेशनल एवरेज है लगभग उसके बराबर दूध वो फ्री प्रोवाइड करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि घर की चाय ही केवल बन पाती है या नहीं बन पाती। खैर छोड़िए ये बात, बात हम दूसरी करते हैं। देखिए बीजेपी भले ही बहुमत में नहीं आ पाई हो वहां पे कभी कभी भी, जो है उसके पीछे भी कई रीजन थे। अभी प्रेम कुमार जी जैसे बोल रहे थे कि धर्म वगैरह का ये सब लेके, तो पिछले चुनाव में तो कांग्रेस ने बोला था कि हम लिंगायत को हिंदू धर्म से अलग कर देंगे। मौका जब पक्ष या विपक्ष किसी को भी मौका मिलता है तो वो अपनी पोजिशनिंग करते हैं। अच्छा कांग्रेस ने अभी क्या किया गुजरात में भी, इसके पहले एक बार देखिए मणिशंकर अय्यर की एक गलती से पूरा खेल पलट गया। अब की बार यही चीज कांग्रेस ने फिर कर दिया, बजरंग दल और इन सब, मतलब सोए हुए ज्वालामुखी को जगा देना जिसका कोई औचित्य नहीं, जिसकी कोई बात नहीं चल रही थी किसी चीज को। तो ये ऐसे करके मुझे लगता है ये बीजेपी को जिता देंगे। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो प्रेम जी ने कही, मैं सहमत हूं कि देखिए जैसे एक ऑपरेशन थिएटर होता है, सारी फैसिलिटी अवेलेबल होती है। कर्नाटका इस वक्त पॉलिटिकल ऑपरेशन थिएटर बना हुआ है। अब ऑपरेशन सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा ये डिपेंड करता है सर्जन की क्वालिटी पे और जो असिस्टेंट रहते हैं। नो डाउट यही चीज प्रेम जी ने बोला कि संगठनात्मक स्तर पे वो बहुत ऑर्गेनाइज्ड है, उनके पास रिसोर्सेज है, उनके पास प्रॉपर है और एक स्ट्रेटजी के तहत प्रॉपर प्रोसेस को वो इंप्लीमेंट करते हैं। तो ये तो मान के मैं चल रहा हूं कि टक्कर कांटे की ही अगर होगी भी तो कांग्रेस इतना करेगी या और कोई दल विपक्षी दल की टक्कर कांटे की दे सकते हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि जो सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरेगी वो बीजेपी उभरेगी और बाद में फिर जो होगा वो देखा जाएगा। सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपका ये जो रहा है, आपने रूबिका लियाकत जो प्राइम टाइम शो करती हैं कि उन्होंने मोदी के बारे में बोला। देखिए आज का मीडिया जो है ना, मैं ये क्लियरली देख रहा हूँ दो पार्ट में क्लियरली बट गया है, मोदी वर्सेस अदर हो गया है या बीजेपी वर्सेस अदर हो गया है। तो ये भी ये मीडिया वालों ने नहीं किया, जितने पॉलिटिकल पार्टी हैं कांग्रेस सपा बसपा सबने मिलके इस चीज को कर दिया। इसका उदाहरण है कांग्रेस और विपक्ष ने एक बार मीडिया का जो है बहिष्कार कर दिया, बोला हम आपके यहाँ जाएंगे नहीं, साल डेढ़ साल तक गए नहीं वो, जबकि होना ये चाहिए था। देखिए अगर आप विपक्ष में हैं या पक्ष में तो आपके खिलाफ तो बोलेंगे ही बोलेंगे, पक्ष में भी बोलेंगे खिलाफ भी बोलेंगे। बहिष्कार कर देना ये उपाय नहीं है कोई, आपको चाहिए कि आप अच्छे प्रवक्ता बैठाइए जो डट के, मैं बोलता हूँ एक रूप का लियाकत क्या, अगर आपके पास ज्ञान है हुनर है तो 100 रूप का लियाकत को एक साथ बैठा दीजिए, आप चाहे कांग्रेस या बीजेपी के फेवर में बोलिए लेकिन आप बाजी मार ले जाएंगे, आप अपनी बातों को कन्विंस कर ले जाएंगे। इसका उदाहरण है इंदिरा गांधी जी जब हारी थी तो उनके पास ऑफिस भी नहीं था, कैसे उन्होंने थोड़े दिनों में पूरे देश की जनता को कन्विंस किया, 80 करोड़ की जनता को कन्विंस किया। आपके पास लॉजिक होना चाहिए और थॉट प्रोसेस। विपक्ष के लोग अगर ये बोले कि प्रवक्ता एनालिस्ट और एंकर्स मीडिया वाले सब मिले हुए हैं, भाई आप भी उसी पैनल में बैठते हैं, एक घंटे की डिबेट होती है, बराबर का मौका मिलता है, आप तर्कों में क्यों चूक जाते हैं? और इंडियन सब कॉन्टिनेंट की मैं आपको साइकोलॉजी बताऊं, स्पेशली इंडिया की, ऐसा नहीं है यहाँ कोई मोदी या राहुल। अब जो लोग राहुल गांधी को गले लगा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो राहुल गांधी इनका जो है एकदम वो भक्त बन गए हैं। यहाँ पे सम टोटल जो कैरेक्टरिस्टिक होता है लोग उसको, मोदी जी तो एक चेहरा है, यही मोदी जी तो पहले भी थे आज है, एक स्पेशल कंडीशन में उनका व्यक्तित्व तो इतना सुटेबल हो गया, मैच कर रहा है आज की समस्याओं के हिसाब से, चुनौतियों के हिसाब से, कि कुछ लोग उनको पसंद कर रहे हैं कुछ नहीं भी कर रहे हैं। और यही आप लोग डिबेट में बोलते हैं, मैं नहीं, कि 63% वोट तो मोदी के खिलाफ पड़े हैं, तो कहां मोदी के खिलाफ बोलने वाले ज्यादा लोग हैं, मोदी को लाइक या डिसलाइक करने वाले कौन है ये आप लोग बताते हैं कि भाई पूरा विपक्ष डिसलाइक कर रहा है। तो ये कहना कि कोई एक एंकर या कोई वो ऐसे 50 एंकर हैं जिनकी आप यूट्यूब या वो उठा करके देख लीजिए जो कि केवल क्रिटिसाइज करते हैं बीजेपी को गवर्नमेंट को, अभी गवर्नमेंट ने चाहे कितने भी, भाई इतने दिनों में कोई ना कोई तो अच्छा काम किया होगा, लेकिन एक भी वीडियो आप उनकी साफ
शफाफ एनालिसिस नहीं पाएंगे कि हाँ भाई ये गवर्नमेंट ने ये अच्छा किया, चलिए ये चार काम अच्छे किए तो छह काम में ये फेल भी हुए, इस तरह से नहीं करते। अब जी विरोध करना है तो विरोध ही करना है, ये तो कुछ एंकरों ने कुछ जर्नलिस्ट ने ही ये शुरू कर दिया जी, जब बस जी विरोध करना है। मिश्रा जी, अरे मिश्रा जी एक मिनट, नहीं मैं आपको रोकता हूँ। मैं यूट्यूब बहुत देखता हूँ, आई स्पेंड ए लॉट ऑफ टाइम। आप ये कहें कि सारे जो प्रोग्राम है वो एंटी मोदी हैं, ये मैं मानने को तैयार नहीं। वहाँ पर प्रो मोदी भी बहुत प्रोग्राम है। अच्छा, अब आप ये बताइए, आपने कहा कि आपके हिसाब से जो मेजॉरिटी है, मेजर पार्टी जो है वो आएगी बीजेपी। मैं सारे टीवी चैनल सुबह उठ के जी और रात को सोने तक देखता हूँ, और ग्राउंड लेवल के ऊपर जो लोग जा रहे हैं, जो वहाँ पर जर्नलिस्ट हैं, उनकी बातें सुनता हूँ और उनको देखता हूँ कि वो क्या कह रहे हैं। वो बड़ा क्लियरली ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है मोदी जी की स्पीचेस का उतना असर नहीं हो रहा जितना होना चाहिए था। आपने बात कर दी बजरंग दल की, आप एक बहुत बड़ी बात तो भूल ही गए कि खड़गे साहब ने मोदी साहब को जी जहरीला सांप कह दिया, और बीजेपी के एमएलए ने एक बहुत बड़ा सोनिया गांधी को गालियां निकाल दी। तो ये देखिए, उसका अफेक्ट ज़ीरो हुआ पॉलिटिक्स में। ये जो बजरंग दल का अफेक्ट है, ये देखिए बजरंग दल का अफेक्ट हिंदू वोटों के ऊपर होता है। कर्नाटका में सारे हिंदू वोटर्स नहीं हैं, दैट्स नंबर वन। दूसरा, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ बिफोर आई गो टू प्रेम कुमार जी, ये अगर ये दो पार्टियाँ जो हैं ये मेजोरिटी नहीं लेके जाती तो जेडीएस का रोल क्या होगा? देखिए जेडीएस का जो रोल होना होगा, पिछली बार भी जेडीएस का क्या रोल हुआ, उनके जो विधायक वगैरह होंगे वो बैलेंसिंग फोर्स की तरह होंगे। ऐसा नहीं है कि जेडीएस तो अभी दिख भी नहीं रही है कॉम्पिटिशन में, पिछले बार तो वो बहुत एक्टिव थे, अब की बार तो वो है नहीं। ऐसा नहीं है कि उनको सीटें नहीं मिलेंगी, जेडीएस अपना अपना मौके के हिसाब से फायदा लेगी। जहां उसको मंत्री मिनिस्टर के पद मिलेंगे वो उस पार्टी के पास जाएगी, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, यानी जिसकी सत्ता। अगर मान लीजिए हंग टाइप का कुछ वोटिंग वगैरह हुआ, रिजल्ट आया, तो जेडीएस वहां पे उस वक्त बैलेंसिंग रोल प्ले करेगी, उनके लिए और कोई रोल बचता ही नहीं है। बहुत सिंपल सी चीज है। रही बात, आपने बोला कि सारे वोटर हिंदू नहीं है, ऑल ओवर इंडिया में हर इलेक्शन में सारे वोटर हिंदू नहीं होते हैं। वोटर्स का क्लासिफिकेशन किया जाए बेसिकली पॉलिटिकल साइकोलॉजी के हिसाब से, तो तीन चार तरीके के वोटर होते हैं। देखिए जो एक हार्ड कोर वोटर है, जैसे आरएसएस का कैडर हुआ, बीएसपी का कैडर हुआ, इसी तरीके से जो हार्ड कोर कांग्रेसी है, वो कांग्रेस जीते या हारे लेकिन वो कांग्रेस को छोड़ के कहीं नहीं जाएगा, वो बीएसपी को छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। बीजेपी हारे या जीते लेकिन आरएसएस के जो वोटर है, जिनको आप लोग कट्टर हिंदू भी बोल सकते हैं, वो कहीं भी छोड़ के नहीं जाएंगे, चाहे एक सीट मिले चाहे जो। फर्क पड़ता है जो शिफ्टिंग वोट होता है, जो कि माहौल के हिसाब से आधे घंटे पहले भी अपने डिसीजन को चेंज कर देता है। तो ये सब जो रैली होती है, जो घटनाएं होती है, बीच में उन्होंने ये बोला वो बोला, जिसको बोलते हैं हवा कौन किसकी बन रही है, कल हवा किसी और की थी आज और थी, वो वही 5-10% है जो वोटर इधर से उधर शिफ्ट हो जाते हैं और उसी में सारी बाजी पलट जाती है। दो इंपॉर्टेंट फैक्टर है डॉक्टर साहब आजकल भारतीय, देखिए ऐसा नहीं है कि कांग्रेस और विपक्षी दल मेहनत नहीं कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। मैं ये भी नहीं बोलता कौन सही है कौन गलत है। अब कांग्रेस कैसे, मान लीजिए जैसे यूपी का लीजिए, अरे कोई कार्यकर्ता ही नहीं है तो आप कितनी भी रैली कर लो क्या असर पड़ेगा? वो ग्राउंड लेवल पे आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है, जब वोट पड़ता है तो एक एक गांव के कितने वोटर को आप निकाल के पोलिंग बूथ पे वोट कास्ट करवा पाते हैं, ये मैकेनिज्म, ये सिस्टम और ये फैसिलिटी होना भी बहुत जरूरी है। देखिए कांग्रेस हो सकता है कर्नाटक में मजबूत हो, लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर देखा जाएगा तो वो उतना स्ट्रांग नहीं है जितना बीजेपी है, ये मान के चलिए आज की डेट में तो कोई भी नहीं है। हवा बन गई, सारे लोग कांग्रेस की तरफ घूम गए, वो बात सही है। ये जितने भी एनालिस्ट के सी वोटर वगैरह के आ रहे हैं, मैं उनको भी नहीं मानता हूँ, हर दो दिन में इनके चेंज होंगे। आपने बोला कि आप ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट देख रहे हैं टीवी पे, भाई इतने लाखों करोड़ों वोटर है, कितने लोगों को टीवी पे दिखाते होंगे पर डे, 100 से ज्यादा, 150, 1000, 1500 लोगों का सर्वे कर लेते होंगे। इंडिया में रिकॉर्ड है जो सर्वे हुआ है, 1 लाख से ज्यादा वोटर नहीं लिए हैं कभी भी। यूपी में इतने वोटर है उसमें 1 लाख वोटर, किसी भी सर्वे को आप देखेंगे तो जो सर्वे के लिए जो उन्होंने वोटर्स चुना है वो 0.001% में जाता है।
ठीक है, उसके बेसिस पे सही भी हो जाते हैं, मैं ये नहीं बोलता हूँ, किसी को भी मैं दोष नहीं दूंगा, लेकिन पॉलिटिकल सर्वे करना बहुत, लोग तो एमबीए के स्टूडेंट रहे, सर्वे रिसर्च क्वांटिटेटिव टेक्निक बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। जैसे इनमें से किसी से भी पूछिए, हेलो इफेक्ट आपने देखा कि नहीं, ऑब्जर्व किया कि नहीं किया, फैड फैशन क्या ऑब्जर्व किया, कोई बता ही नहीं पाएगा पॉलिटिक्स में, सर्वे में हेलो हेलो इफेक्ट क्या होता है। हाँ, और वो यही जो हेलो इफेक्ट वाले जो होते हैं ना, आपके जो साइलेंट टाइप के, जिनका दिमाग घूम जाता है, जो डिसीजन चेंज कर देते हैं, उसी कारण बाजी जो है पलट जाती है। अभी भी आप ये मान के चलिए, कुछ भी हो, मैं नंबर वन प्रायोरिटी इसलिए नहीं कि कोई मुझे बोले मैं बीजेपी, नहीं, बीजेपी के अंदर जो कैपेबिलिटीज हैं वो चीजों को अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट कर लेते हैं और वो रहेंगे नंबर वन, रहेंगे। हो सकता है क्लियर मेजोरिटी हो, अगर ना हो तो रहेंगे, अल्टीमेटली ज्यादातर जो है सुई का कांटा उन्हीं की तरफ जाएगा। अच्छा, अभी अभी आपसे बात करते हैं, पहले प्रेम जी से बात करते हैं। प्रेम जी, बात ये है कि ये इन इन इनके अपने व्यूज़ हैं कि बीजेपी जो है वो मेजॉरिटी में भी आ सकती है और सबसे बड़ी पार्टी होगी। ये जितने भी आज के प्रो बीजेपी और एंटी बीजेपी जितने भी लोग टीवियों पे आ गए, ये कहते हैं जी सिर्फ 10% से बात भी नहीं होती, 9% से भी बात नहीं होती, वहीं से ही पता चलता है दुनिया में जो वो होता है। एबीपी वालों ने कहा जी हमने 27,000 लोगों का सर्वे किया हर हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में, डिफरेंट डिफरेंट। तो ये कह देना कि नहीं जी वो मतलब इतनी श्योरिटी से कि नहीं जी बीजेपी जो है वो नंबर वन आएगी, उन्होंने कोशिश की है वो कालिका कम्युनिटी के बीच में जाने की, लेकिन वहाँ पर मुस्लिम 100% अगेंस्ट, वहाँ पर जो ओबीसी है जी वो काफ़ी ज़्यादा देवगौड़ा के साथ हैं, जो उस इलाके के हैं जहाँ पर उनका इम्पैक्ट है, और कांग्रेस के साथ भी हैं। अब डिपेंड करता है कि वो वोटर जो है, जो मैक्सिमम वोटर है वो 35-40% वोटर है, वो वोटर जो है वो किस तरफ जाता है। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि जैसे इन्होंने कहा कि जेडीएस तो किसी के साथ भी चले जाएगा, लेकिन देवगौड़ा जो अपने आप को बहुत बड़ा सोशलिस्ट कहते हैं और प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं हिंदुस्तान के, क्या वो अलाउ करेंगे अपनी पार्टी को बीजेपी के साथ अलायंस करने का? हैं जी, एक ये सवाल है। दूसरा ये सवाल है कि इसमें ओबीसी जो है और अपना मुस्लिम फैक्टर ये कितना बड़ा रोल प्ले करेगा? जी शुक्रिया, एक बार फिर आपका डॉक्टर साहब। देखिए, ये प्रश्न जो है इसको ऐसे समझते हैं कि जेडीएस का जो वजूद है कर्नाटक में, वो ज्यादातर सीटें किससे लड़के जीतते, तो उनकी फाइट कांग्रेस से ज्यादा होती रही। बीते कुछ समय में फर्क आया है, अब उनकी फाइट बीजेपी से भी होने लगी। लोकसभा का भी इलेक्शन हुआ था, बाईपोल हुआ था, मुझे याद नहीं है क्योंकि समय पहले, साल 2 साल पहले, तो वहां बीजेपी से फाइट हुई जेडीएस की। तो इस हिसाब से जेडीएस का जो है इंटरेस्ट थोड़ा सा खुल जाता है, ओपन हो जाता है। एक तरफ सैद्धांतिक बातें हैं एचडी देवगौड़ा की, जो सेकुलरिज्म के प्रति रहे हैं, जुड़ाव रखते हैं, और पार्टी का पूरा जो ढांचा है वो अलाउ नहीं करता है कि वो बीजेपी के साथ मिले। लेकिन एग्जिस्टेंस जो है वो कांग्रेस के साथ लड़ करके वो ज्यादा सीटें जीतते हैं। तो ये एक तो नेचुरली विरोध वाली बात होती है। तो फिर कर्नाटक के परिप्रेक्ष्य में क्या किया जाए, तो यहाँ पर चूंकि ओपन होता है इसलिए देवगौड़ा जी और उनके बेटे में डिफरेंसेस भी रहते हैं, तो ये बातें हैं। इसलिए ये बहुत ओपन है कि जेडीएस किधर भी जा सकता है। अगर देवगौड़ा जी की पकड़ कमजोर होगी पार्टी पर तो वो कांग्रेस से दूर जाएगी जेडीएस, और अगर मजबूत रहेगी तो वो कांग्रेस के साथ टिकी रहेगी। ये इस बात पर भी निर्भर करेगा कि बीजेपी का परफॉर्मेंस जनादेश के खिलाफ है या साथ है। अगर बीजेपी का परफॉर्मेंस जनादेश से ऐसा लगता है कि नहीं, सब जनता हटाना चाहती है और कांग्रेस का बहुत ज्यादा सीटें आ जाती, जैसा कि मैं ए के मिश्रा जी से सुन रहा था कि बीजेपी बड़ी पार्टी होगी, तो वैसी स्थिति में बीजेपी अगर वाकई बड़ी पार्टी होगी तो वो मैसेज नहीं जाएगा कि जनता उनको उखाड़ फेंकना चाहती है, बीजेपी तो कभी बहुमत में नहीं आई। तो ऐसे ऐसे समय में जेडीएस
बीजेपी की तरफ भी जा सकती है, लेकिन मुझे इसके आसार बहुत कम नजर आते हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि इस बार बीजेपी के खिलाफ पूरी तरह से हवा बह रही है और कांग्रेस बहुत मजबूत होकर उभरेगी और जेडीएस का भी जो की भी जो संख्या है लगभग इंटैक्ट रहने वाली है, कोई उसको फायदा होता नजर नहीं आ रहा है, वही जो परफॉर्मेंस था 25 के आसपास का वो बना रहेगा। तो ऐसे ऐसी स्थिति में अगर उनको समर्थन देने की जरूरत भी पड़ी तो नेचुरली कांग्रेस के साथ ही सरकार बनती हुई दिखेगी, ये मुझे लगता है। इसलिए सैद्धांतिक रूप से और व्यवहारिक रूप से दोनों ओपन है जेडीएस के पास, मगर वक्त का तक आ जाए कि उनको कांग्रेस के साथ जाते हम देख पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेंगे जी, हमारे पास एक दो संदेश हैं, मैं वो दे लूँ। सबसे पहले बात करेंगे हम लाइटो इमिग्रेशन वालों की, और लाइटो इमिग्रेशन जो है ये आपको हर किस्म की हेल्प कर सकते हैं टू कम टू कनाडा। आप बिजनेस वीज़ा पर आ सकते हैं, आप नौकरी के बेस पर यहाँ पर आ सकते हैं, आप स्टूडेंट के बेस पर यहाँ पर आ सकते हैं, और जितने भी बेस हैं वो आप लाइटो वालों से खुद बात करके पूछ लीजिए, वो आपके साथ टाइम स्पेंड करते हैं। आप सुमेध सिंह जी को फ़ोन कर सकते हैं, टेलीफोन नंबर एक याद रखिए 3066122233। कनाडा में इमिग्रेशन इस वक्त सबसे आसान है दुनिया में, यहाँ पर इमिग्रेशन मिल रही है। जब तक ट्रूडो साहब हैं ये टाइम है, ट्रूडो साहब अगले इलेक्शन में लग रहा है कि शायद वो नहीं जीतेंगे, लेकिन आप ज़रूर अभी चांस है आपके पास, आप इनसे बात करके पूछ लीजिए। बिजनेस के ऊपर भी आप आ सकते हैं, और कई और तरीके हैं वो आपको बता देंगे। टेलीफोन एक बार फिर सुन लीजिए 306 लाइटो इमिग्रेशन 3066122233 306-612-2233। अब बात करते हैं शिखा इमिग्रेशन की, लॉ फर्म ऑफ शिखा शारदा। इन्होंने 10 साल इंग्लैंड में काम किया, 10 साल इनको हो गए यहाँ पर आके, बहुत एक्सपीरियंस है इनका। कोई भी फैमिली लॉ की प्रॉब्लम हो, रियल एस्टेट की कोई प्रॉब्लम हो, कोई लिटिगेशन है जी, कोई और कोई मसला है, तो आप इनको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, इनसे बात कर सकते हैं। ये भी फ्री कंसल्टेशन देते हैं और पूरी आपकी मदद करने की कोशिश करेंगे। टेलीफोन लॉ के इशू में, देखिए कनाडा में डॉक्टर और लॉयर बहुत ज़रूरी है आपका अपना होना, और इनका टेलीफोन नोट कर लीजिए, लॉ फर्म ऑफ शिखा शारदा 905-956-6699 905-956-6699 905-956-6699। धन्यवाद। बात कर रहे थे हम कर्नाटका के इलेक्शन के ऊपर, और अभी प्रेम कुमार जी ने अपने व्यूज़ दिए। मिश्रा जी, जेडीएस लगती है कि 20 और 25 के बीच में सीटें लेके जाएगी, ये कॉमन धारणा है वहाँ पर, हर पॉलिटिकल पार्टी की, वो मानते हैं कि वो 20 से 25 सीटें अपनी लेके जाएंगी। लेकिन जिस इलाके से सीटें, मैसूर फॉर एग्जांपल, मैसूर का जो एरिया है जहाँ मैसूर सिटी है, वहाँ पर इनका बड़ा बोलबाला था। लास्ट टाइम वहाँ पर बीजेपी 6 सीटें लेके गई जी, और इनको 4 ही शायद मिली और कांग्रेस को 1 मिली। अगर वो 20-25 सीटें ले जाते हैं, और आपके हिसाब से बीजेपी जो है जी वो लार्जेस्ट पार्टी इलेक्शन में जीत के आती है, और आपके हिसाब से जेडीएस उनके साथ हाथ ज्वाइन कर लेगा, आपको पता है जेडीएस क्या, ये वही मामला हो सकता है कि जैसे महाराष्ट्र में उन्होंने जी दूसरे जिसके पास सिर्फ 40 एमएलए थे उसको चीफ मिनिस्टर बना दिया, क्या जेडीएस का जो चीफ मिनिस्टर हेड है वो उसको ये चीफ मिनिस्टर बना सकेंगे ताकि अपना राज वहाँ करें, जैसे कि उन्होंने मणिपुर में भी किया जी, और नागालैंड में भी किया,
तो ऐसे वो कर लेते हैं, चाहे उनका एक MLA ही हो। तो आपको क्या लगता है? देखिए डॉक्टर साहब, दो चीजें हैं। पहली चीज ये है कि जो पिछली बार शायद 25 से 28 सीट आई थी जेडीएस की, वो उतनी नहीं आएंगी, कम होगी। उसके पीछे रीजन है। देखिए, एक पिलर है देवगौड़ा साहब, लेकिन अब वो एक तरीके से बहुत एज फैक्टर के कारण अब उतने एक्टिव नहीं है, तो डेफिनेटली पॉलिटिक्स में अब उनका एक्टिव इन्फ्लुएंस भी नहीं रहा है। वो मैक्सिमम जो है, मैंने तो देखा है उनकी परफॉर्मेंस, सामने से आवाज भी उतनी तेज नहीं निकलती है। अपील कर सकते हैं कि भाई आप हमको जिताइए, उतना इन्फ्लुएंस नहीं है कि वो सीटों को बढ़ा सके। तो 25 सीटें भी अगर ये बचा लें तो बहुत बड़ी चीज होगी। पिछली बार कुमार स्वामी जी को मैंने खुद सुना था, वो बोल रहे थे कि एक बार मुझे सीएम बनाइए। उनका उद्देश्य चुनाव जीतना हारना ना हो करके कैसे भी करके सीएम बने, वो उनका पर्सनल उद्देश्य यहाँ पे मुझे दिखता है। अब चीजें अगर मान लीजिए हंग टाइप की वोटिंग हुई या रिजल्ट आया, तो डेफिनेटली ये होगा कि भाई ये जेडीएस वाले ये चाहेंगे कि सीएम उनका हो, बाकी वो सारे कंप्रोमाइज कर लेंगे। ना कांग्रेस सीएम बनाएगी ना बीजेपी बनाएगी, स्पेशली इस कंडीशन में कि मैं ये मान के चलूं कि उनकी सीटें और इंटैक्ट हो जाएंगी और कम हो जाएगी। उसके पीछे रीजन है, सीटों को मेंटेन रखना, सफलता को मेंटेन रखना या उसमें वैल्यू एडिशन करना, ग्रो करना बहुत मेहनत मांगता है। जिस हिसाब से मैं कैंपेनिंग देख रहा हूँ पिछले 4-5 साल से, मैंने देखा चुनाव हारने जीतने के बाद कभी कोई किसी मुद्दे पे नहीं बोले जेडीएस वाले, कहीं अपीयरेंस नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। बस ये ऐसे ही है जैसे यूपी में कांग्रेस होती है कि रैलियां कर दिया और सोच लिए कि हम बढ़ जाएंगे। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि जेडीएस का इनपुट क्या है, कितने एग्रेसिव हैं वो लोग कैंपेन करने में, मैनेज करने में, उतने नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि उनकी सीटें कम होंगी। अब ये सीट मिश्रा जी, आपसे छोटे छोटे आंसर चाहूँगा, वेरी शॉर्ट। आप ये बताइए कि ये जो नंदनी और अमूल का इफेक्ट है, ये कितना होगा? शॉर्ट आंसर। वो नलीफाई हो गया है, उसके पीछे कारण है नंदनी और अमूल का मुद्दा जो भी उठाएगा। तो डेफिनेटली दो स्टेट का सेपरेशन का वो उठा रहे हैं वहां पे। बीजेपी तो लड़ती है भारतीयता के, ऐसा नहीं है कि कर्नाटक अलग गुजरात अलग, यू वो तो पूरे भारत की, अखंड भारत की बात करती है। इन्होंने बोल दिया कि हम घर हर घर को आधा लीटर नंदनी फ्री में देंगे, तो ऐसा कुछ वो नहीं है कि ये मुद्दा ऐसा इतना ज्यादा ये मुद्दा नहीं है कि ये आग लगा देगा। मुद्दा मुद्दे ने आग लगा दी है और उसी पे सारे वोटर इस तरफ या उस तरफ हो जाएंगे, ये उतना बड़ा मुद्दा नहीं है। मुद्दा जो है वो ये है कि बजरंग दल वर्सेस PFI को जो बैन किया है, सही क्या है गलत क्या है मैं नहीं बोलता हूँ, लेकिन हाँ ये बड़ा डिसाइसिव मुद्दा है। इससे वोटर एक बार सोचने को मजबूर जरूर हो जाता है, मैं इधर जाऊं कि उधर जाऊं, और ये इम्पैक्ट डालेगा इसमें जेडीएस और कांग्रेस। देखिए कांग्रेस की सबसे बड़ी गलती क्या होती है मैं आपको बताऊं, जो लोग नारा लगाते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे, उनके साथ आप जाके खड़े होंगे तो देश की जनता आपके साथ नहीं खड़ी नहीं होगी, नहीं इसको ये समझ देखिए लीजिए। देखिए, ये पुरानी बातें आप कर रहे हैं। कर्नाटका में ये थोड़ा हो रहा, कर्नाटका के सारे इलेक्शन में ये नहीं हो रहा। डॉक्टर साहब, कर्नाटका में पंपापुर है जहां पे हनुमान जी, राम जी और सुग्रीव का मिलन हुआ था। हनुमान जी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। हिंदू कम है कि ज्यादा है, लेकिन जो है वो उस हिसाब से उस धार्मिक महत्व को समझते हैं। ये और बिखरे हुए हिंदुओं को, पहली एक दो पार्टी जो मिश्रा बिखरे जी, हुए हिंदुओं मिश्रा जी, पहली कांग्रेस, बात तो है, जो 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 लिंगायत हैं वो तो किसी धर्म को मानते नहीं, वो शिव को मानते हैं और अपने जो उनके गुरु हैं उनको मानते हैं। दे डोंट केयर। सुन एक मिनट, उनके अपने मंदिर हैं जी, वो अपने मंदिर हैं। दूसरा जो है, उन्होंने लिंगायत इस वक्त जो है वो डिवाइडेड हो गई हुई है। काफ़ी लिंगायत जो हैं वो कांग्रेस के साथ जा रहे हैं, हो सकता है 40% चले जाएँ, 60% फिर भी बीजेपी के साथ रहें, क्योंकि येदुरप्पा अभी भी वहीं पर है, नंबर वन। दूसरा ये है कि जो वोकालिंगा सोसाइटी है, वो ये समझती है कि हमारे ऊपर ये हमेशा है क्या, 17% हैं लिंगायत सारे, ओनली 17% हैं जी। और उनका इतना दबदबा जो है इन्होंने बनाया हुआ है। तो मुझे आप ये बताइए कि आप ये टुकड़े टुकड़े वाली जो बातें हैं ना, ये कोई इस वक्त सूट नहीं करती, खास करके कर्नाटक के इलेक्शन में ऐसा कोई कुछ नहीं हुआ। हाँ, जहाँ तक आपका ये ताल्लुक है बजरंग दल, और दूसरा उन्होंने एक बार, बजरंग दल डज नॉट मीन बजरंग बली, बजरंग दल इज एन ऑर्गेनाइजेशन
विच इज एब्सोल्युटली एक्सट्रीमिस्ट हिंदूज, तो उसको अगर अगर ये समझाने में ये लोग सक्सेसफुल हो गए कि बजरंग दल इज नॉट ए बजरंग बली, देन थिंग्स आर डिफरेंट। साहब शरबत में से कभी चीनी को अलग नहीं किया जा सकता है, ठीक है। राम का नाम लेकर के और कोई घटना लेके आप बोलिए, आप राम के नाम को किसी भी गलत तरीके से प्रेजेंट करिए, लोगों की भावनाएं उस पर इम्पैक्ट पड़ता है। बजरंग शब्द जहां लग गया, बजरंग दल मतलब बजरंग बली के आदर्शों पे चलने वाला, उनको मानने वाला, मैंने वही बोला। वो नहीं है ना, वो नहीं है कर्नाटका में, उन्होंने जो काम किए हैं वो एक्सट्रीम किए हैं। वो देखिए गलत है या सही है, मैं ये नहीं जा रहा हूँ, मैं इसकी इसकी विवेचना जा रहे आफ्टर लोगों ने उनकी हरकतें भी देखी हैं। नहीं नहीं वो यही तो मुद्दा है ना, यही तो सोचने वाली चीज है कि आज एक वोटर जो है कहाँ पे आंखें मूंद लेता है, कहाँ भावना से ओतप्रोत हो जाता है, यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब जैसे आपने बताया लिंगायत वगैरह कि भाई वो हिंदू नहीं है, ये नहीं है, अरे शिव को मानते हो और बोलो मैं हिंदू नहीं हूँ, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हो सकता है केवल 2% टूटे, मैं मानता हूँ कि हो सकता है सारे बीजेपी के अगेंस्ट हो, लेकिन अगर 1-2% भी टूट गए ना तो वो बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। मैं जो मैंने भारत तेरे टुकड़े होंगे, मेरे कहने का मतलब कि कुछ इमोशनल मुद्दों पर देश का नागरिक किसी भी पार्टी के साथ खड़ी नहीं होती है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। वहां उन्होंने भारत तेरे टुकड़े होंगे, यहाँ ये बजरंग बली का विरोध, बजरंग दल का विरोध कर रहे हैं। आपने बजरंग दल का विरोध किया, लेकिन बैक ऑफ द माइंड एक हिंदू के ये चलेगा कि अरे भाई ये तो बहुत गलत इन्होंने किया है। अब आप कन्विंस करते रहिए और मैं भी देखूंगा इलेक्शन के बाद कि कांग्रेस और विपक्षी दल कितना कन्विंस कर पाए कि बजरंग दल और बजरंग बली दोनों की आइडियोलॉजी अलग अलग है। अगर कांग्रेस इस चीज को कन्विंस कर लेती है कि बजरंग दल अलग है और बजरंग बली अलग है, तो 2024 में कांग्रेस का चुनाव सरकार बन जाएगी। कांग्रेस ये प्रूफ कर देगी कि राम अलग है और ये अलग है, यही राम सेतु पे हुआ था। दुनिया नहीं जानती है क्या कि राम सेतु और राम एक व्यक्तित्व थे, राम सेतु एक कुल था। कांग्रेस आज तक कन्विंस नहीं कर पाई कि राम सेतु राम से अलग है, उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। चलिए खैर, यानी 2024 में कांग्रेस के तो आने, 2024 में कांग्रेस का तो आने का ताल्लुक ही नहीं है, चाहे वो समझा भी लें चाहे ना समझा लें, क्योंकि 2024 में तो क्लियर है कि मोदी जो है वो मेजोरिटी, वो मतलब थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर, अकॉर्डिंग टू मी थर्ड टाइम वो प्राइम मिनिस्टर आएंगे, क्योंकि जो अपोजिशन है वो आप ही कर रहे हैं, वो इतनी डिवाइडेड है। नहीं, उसका रीज़न है, अपोजिशन इतनी डिवाइडेड है, खास करके जो तीन सूबे हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उड़ीसा आंध्र प्रदेश जी, और ये आपका तेलंगाना, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, यहाँ से बहुत MPs आते हैं, और इनके जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका जो एटीट्यूड है वो बड़ा डिफरेंट है। प्रेम जी, आप ये बताइए कि बार बार ये बात कर रहे हैं कि बीजेपी जो है वो आएगी, मुझे आप ये बताइए कि जो OBC जो 40% वोट वहाँ पर होल्ड करते हैं, उनका इस इलेक्शन में कितना रोल होगा? जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है डॉक्टर शारदा जी, क्योंकि कांग्रेस के पास जो लीडरशिप है वो ओबीसी लीडरशिप डॉक्टर सिद्धारमैया के रूप में है, और सिद्धारमैया की वोटरों पर बहुत पकड़ है। हम ये भी देखें कि जिन स्टेट्स में बीजेपी को विपक्ष चुनौती दे पाया है, उन स्टेट्स में विपक्ष के पास नेता रहा है तुलनात्मक रूप में। अगर जैसे गुजरात में कांग्रेस के पास नेता नहीं था, या बंगाल में ममता बनर्जी नेता थी, तो इस तरीके से हम देखें तो कर्नाटक एक ऐसा प्रदेश है जहां बीजेपी में कोई नेता सामने दिख नहीं रहे, नजर नहीं आ रहे, और कांग्रेस में नेता नजर आ रहे हैं, वो भी ओबीसी का नेता डॉक्टर सिद्धारमैया, जो आपके प्रश्न से जुड़ा हुआ मसला है। और ओबीसी यहाँ निर्णायक हो जाता है, क्योंकि लिंगायत वोट्स बट रहे हैं, वो कालिंगा वोट्स बट रहे हैं, मुस्लिम वोट्स और ओबीसी के वोट्स जो हैं, इसमें देखा जाए तो ओबीसी के भी बट रहे हैं, लेकिन ओबीसी का बड़ा हिस्सा कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए ये निर्णायक हो रहा है। तो हम
कर्नाटक की सियासत में ये देख पा रहे हैं कि इस बार कांग्रेस हर जाति समूह और हर धर्म के वोट्स को अपने साथ जोड़ने में सफल है। यही वो बात है जिससे कि कांग्रेस को लीड मिल रही है। बीजेपी से टूट कर लोग कांग्रेस में आए हैं, कांग्रेस से टूट कर बीजेपी में नहीं गए हैं। ये भी कर्नाटक जैसा उदाहरण दूसरे प्रदेश के मुकाबले डिफरेंट है, तो ये भी इस बात की पुष्टि करता है कि बीजेपी की स्थिति अपेक्षाकृत खराब है। रही बात एक और प्रश्न का जवाब में जो चर्चा में बात आई है, मैं बोलना चाहता हूं बजरंग बली वाला। बजरंग बली का जो मुद्दा बीजेपी एड्रेस कर रही है, वास्तव में वो कर्नाटक चुनाव के लिए नहीं, कर्नाटक से आगे के चुनावों के लिए है। बीजेपी को पता है कि चुनाव के नतीजे अब बदलने वाले नहीं है, लेकिन ये जो स्कोर जो है वो स्कोर किया जाए, ताकि आप देखेंगे कोई लीग मैच भी होता है तो एवरेज जो ठीक होता है तो कहीं ना कहीं फाइनल में वो फायदा दे जाता है। तो बीजेपी एवरेज ठीक करने के लिए इस मुद्दे को बहुत जोर शोर से उठा रही है। हम सब जानते हैं कि बजरंग बली को लेकर के जो प्रभाव हिंदी बेल्ट में पड़ता है वो प्रभाव कर्नाटक में नहीं पड़ता। इसके बावजूद कि हनुमान जी का जन्मदिन जन्म कर्नाटक में माना जाता है, लेकिन हनुमान जी उतने बड़े देवता के रूप में कर्नाटक में स्थापित भी नहीं रहे। तो इसलिए बीजेपी ने जो कुछ भी शोर मचाया है उसका फायदा उनको आने वाले चुनाव में मिलेगा, कर्नाटक में वो बदलावकारी साबित होगा, इससे मैं सहमत नहीं हूं। एक यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेंगे, लास्ट ब्रेक, उसके बाद फिर मैं आपसे बात करता हूँ। बात करते हैं लाइटो इमिग्रेशन की। आपको बहुत बार हमने बताया कि कनाडा की इमिग्रेशन इस वक्त सबसे इजी है वर्ल्ड में। अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो आप लाइटो इमिग्रेशन के एक्सपीरियंस्ड जो सज्जन हैं इनके साथ कॉन्टेक्ट कीजिए। बहुत इनका एक्सपीरियंस है, बहुत लोगों को इन्होंने हेल्प की है। आप इनको फ़ोन करके देखें, डिफरेंट वेज हैं। आप स्टूडेंट वीज़ा पर आ सकते हैं, आप नौकरी के बेस पर आ सकते हैं, आप बिजनेस के बेस पर आ सकते हैं, और बड़े डिफरेंट वेज हैं, वो आप इनसे पूछिए। टेलीफोन कर लीजिए लाइटो इमिग्रेशन 306-612-2233 306-612-2233 306-612-2233 लाइटो इमिग्रेशन का फ़ोन है। अब बात करते हैं ला फर्म ऑफ शिखा शारदा। ये आपको हर किस्म की यहाँ हेल्प कर सकते हैं। फैमिली लॉ की कोई प्रॉब्लम है, ये सिर्फ अकेले वही नहीं है जो हिंदुस्तान में भी जो बैठे हुए हैं उनके बड़े यहाँ पर रिलेटिव्स हैं जिनमें फैमिली की प्रॉब्लम्स जो हैं वो सामने नज़र आ रही हैं। तो शी इज़ वन ऑफ द टॉप लॉयर्स हेयर इन ओंटेरियो। आप इनको कॉन्टेक्ट कर सकते हो 905-956-6699। आप इनके साथ कोई भी लॉ की बात करना चाहते हो, यू कैन कॉल दैम। इट इज़ एब्सोल्युटली फ्री, देर आर नो चार्जेस फॉर कंसल्टेशन। सो नंबर नोट कर लीजिए 905-956-6699, ला फर्म ऑफ शिखा शारदा, 905-956-6699। हमारे पास थोड़ा सा टाइम बचा है, 15 मिनट, हम बात करेंगे शरद पवार की। हाँ जी, अब कर्नाटक का तो इलेक्शन अब 10 तारीख को हम देखेंगे क्या होता है। अब शरद पवार जी की बात करते हैं। शरद पवार का बहुत कद था किसी वक्त, बहुत इम्पोर्टेंस थी इनकी इंडियन पॉलिटिक्स में, लेकिन मैंने देखा है कि महाराष्ट्र में भी अब इनकी जो इम्पोर्टेंस है और इनका जो इफ़ेक्ट है वो सिर्फ वेस्टर्न महाराष्ट्र के कुछ डिस्ट्रिक्ट को छोड़कर बाकी इनका कहीं अब इफ़ेक्ट नहीं रहा। हाँ, इन्होंने जो मूव चली है, लोगों का ये कहना है कि वो अजीत पवार जो अपने कुछ MLO को लेके बीजेपी के साथ मिलने जा रहा था उस मूव को इन्होंने रोक दिया है। और आज उनकी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी यहाँ आने से पहले, जिसमें उन्होंने कहा कि मेरे वर्कर्स ने मुझे कंपेल किया है कि मैं अपना रेजिग्नेशन वापस ले लूं,
लेकिन उन्होंने उसी बयान में ये भी कहा कि मेरी हेल्थ जो है, अब मुझे कोई ना कोई ऐसा और आदमी चाहिए जो इस पार्टी को आगे चला सके। अभी मैं अपने वर्कर्स की जो रिक्वेस्ट है उसको एक्सेप्ट करता हूँ। आपको क्या लगता है कि शरद पवार साहब, मिश्रा जी सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं, शरद पवार साहब का जो कद था जी, मेरे हिसाब से तो अब वो शरद पवार नहीं रहे। डॉक्टर साहब देखिए, ये समय का तकाजा है, चढ़ता हुआ सूरज, कभी जब सूरज उगता है चढ़ता है फिर ढल भी जाता है, ये उम्र का तकाजा है और ये सारे नेताओं के साथ होगा, चाहे शरद पवार हो, चाहे आप हो, हम हो, या दुनिया का कोई भी नेता हो, वो ढलता भी जरूर है, एज फैक्टर भी हो गया। शरद पवार के सामने देखिए चुनौती क्या है, जो मुझे लगता है ना, पार्टी पे पकड़ उसकी होती है जो ग्राउंड पे एक्टिव रहता है, वो उनके भतीजे रहे हैं एक्टिव, जो भी पकड़ है कम ज्यादा, पहले बहुत पकड़ थी महाराष्ट्र में, लेकिन धीरे धीरे वो कम होती जा रही है और होती जाएगी, मैं आपको बता दूं। वहां पे एक तरफ उनकी बेटी है, एक तरफ उनका भतीजा है, मुझे लगता है ना कि बुढ़ापे में शरद पवार जी को पुत्री मोह हो गया है, वो चाहते हैं तो उनकी बेटी है, पुत्र मोह तो बहुत हमने सुने हैं, पुत्री मोह यहाँ पे पहली बार सुन रहा है, और अच्छी भी बात है, क्यों नहीं होना चाहिए, लड़की है अगर है उनको लगता है तो वो करें, यहाँ पे जेंडर का कोई बायस नहीं है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे एक्टिव तो हमेशा से भतीजे रहे हैं, फ्रंट फेस तो हमेशा से उनके भतीजे रहे हैं, अब यहीं पे टकराव जबरदस्त होगा कि जिंदगी भर मेहनत किसने की, जवानी खपा दी सड़कों पे, पुलिस की लाठियां खा के आंदोलन करके, और सुप्रिया सुले मैम आराम से एमपी बन करके बैठी रही, कभी रैली में नहीं दिखी, कभी कहीं नहीं, इलेक्शन वगैरह में कभी कभार चली गई तो चली गई, डिस्प्यूट का ये सबसे बड़ा रीजन होगा। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, शरद पवार प्रेशर बना के, ठीक है अब वो बिखरना शुरू होगा पार्टी, प्रेशर बना के रखते रहेंगे, लास्ट मोमेंट पे जो समाजवादी पार्टी के साथ हुआ वही चीज यहाँ पर भी होने जा रही है, क्योंकि यहाँ दो दावेदार हैं और एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती है। सुप्रिया सुले मैम अभी खुल के तो सामने नहीं आई है क्योंकि शरद पवार जी का वरद हस्त उनके पास है, लेकिन ये रिबेल करेंगे जो लोग ग्राउंड पे, भाई इनके पास भी कुछ ना कुछ विधायक और तो होंगे ही ना उनके भतीजे के पास, वो रिबेल करेंगे, इतने आसानी से कोई गद्दी नहीं छोड़ेगा, कोई फेस नहीं छोड़ेगा पार्टी को, इतने दिन उन्होंने गुजार दिए तो इसीलिए कि हम शरद पवार जी के बाद हम पार्टी के हेड बनेंगे, तो ये एकदम समाजवादी पार्ट टू महाराष्ट्र वाला होने जा रहा है, ये मान के चलिए। प्रेम जी, प्रफुल्ल अगर अगर सुल्ले को छोड़ दीजिए, अजीत पवार को छोड़ दीजिए, अगर पवार जी प्रफुल्ल पटेल को बना देते हैं जी चेयरमैन ऑफ NCP, तो उसका क्या इफेक्ट होगा? जी डॉक्टर शारदा जी, आपका आकलन बहुत सटीक लगता है मुझे, और क्योंकि शरद पवार जी की जो नीति और रणनीति नजर आ रही है, वो अपनी बेटी के पक्ष में जाने के बजाय उनके पॉलिटिकल करियर को सुरक्षित बनाने की ओर ज्यादा सोच रहे हैं, और एक इसको एक वैचारिक लड़ाई का रूप दे रहे हैं अपनी पार्टी के भीतर भी, कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का जो एक कैरेक्टर रहा है कि वो जैसे लोक जनशक्ति पार्टी में फूट हो गई, पार्टी एक BJP के पक्ष में जुड़ना चाहता है, एक उससे अलग रहना चाहता है इस आधार पर, या फिर ऐसे ही आधारों पर दूसरे जगहों में भी हुआ, खुद शिवसेना उदाहरण है, जो शिवसेना भी टूटी या उनसे छूटी, तो NCP को इस रास्ते शरद पवार ने बचाया जब अजीत पवार चले गए, और एक ऐसे समय में जबकि सत्ता साथ में थी, उस समय भी अगर शिवसेना का एक एक विधायक लौट आया तो ये शरद पवार का चमत्कार, उनके व्यक्तित्व का चमत्कार था, और ये अजीत पवार की बहुत बड़ी विफलता मानी जाएगी राजनीतिक रूप से कि वो अकेले रह गए। एक बार फिर जब ऐसी चर्चा गर्म थी, क्योंकि आने वाला जो 2 हफ्ता है बहुत महत्वपूर्ण है, इस 2 हफ्ते के भीतर सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आने वाला है, जो शिवसेना में एकनाथ शिंदे और साथी गए हैं उनकी अयोग्यता उस पर डिसाइड होगी, और सारे लीगल के एक्सपर्ट्स ये मान रहे हैं कि ये अयोग्य करार दिए जाएंगे और ये सरकार भी इसी तरीके से अवैध हो जाएगी। तब आगे क्या होगा इसकी तैयारी में ये है कि NCP से अगर 8-10 विधायक भी टूट जाए अजीत पवार के नेतृत्व में, तो इस कोशिश में यहाँ अंदर खाने की सियासत चल रही, और ये बात शरद पवार जी से भी
मीटिंगों में बीजेपी के नेता ऑफर कर चुके हैं कि आप थोड़ा सा आंख मूंद लीजिए, आगे हम सलट लेंगे, ठीक कर देंगे, लेकिन शरद पवार जी ने इसको एक वैचारिक लड़ाई का रूप दे दिया है कि हम जो चाहेंगे इस पार्टी में वही होगा, हमारी पार्टी बीजेपी के अगेंस्ट जाएगी या बीजेपी के साथ चलेगी हम डिसाइड करेंगे। और आज की परिस्थिति में वो संकेत दे चुके हैं कि बीजेपी के विरोध वाली ही सियासत पर आगे बढ़ेंगे। तो ऐसे में वो सुप्रिया सूले को सामने रख करके एक परिवारवाद वाला जो गिफ्ट है वो वैसे लोगों को नहीं देना चाहेंगे जो बीजेपी के साथ उनके संगठन के भीतर हिमायत रखते हैं। तो इसमें वो प्रफुल्ल पटेल जैसे व्यक्ति को, जो कि अच्छे मैनेजर भी हैं, धन बल बाहुबल सब क्षमता रखते हैं, उसको उनको सामने रख करके वो ऐसे घड़ी से निपटना चाहते हैं। यही वो सियासत है जिसके लिए उन्होंने इस्तीफा दिया, अपनी ताकत को रीस्टोर किया और उस प्रभाव में आने वाले समय में वो नेतृत्व परिवर्तन भी करेंगे। जी मिश्रा साहब, ये बात हुई प्रफुल्ल पटेल की, लेकिन क्वेश्चन ये राजनीति होता, क्वेश्चन ये है कि अगर वो 16 जो एमएलए हैं वो अयोग्य करार दे दिए जाते हैं आज से 10-12 दिन के बाद, जिसमें शिंदे भी हैं, तो उसके बाद जो ये अजीत पवार अगर तोड़ के लेके जाना चाहें तो उनको कम से कम, मेरा ख्याल है 66 एमएलए हैं एनसीपी के, उनको 2/3 उसमें से तोड़ने पड़ेंगे, 2/3। सो 2/3 तोड़ने के लिए इट इज़ ए बिग नंबर। आपको लगता है कि अजीत पवार इज कैपेबल ऑफ टेकिंग 2/3 एमएलए विद हिम? डॉक्टर साहब देखिए, अगर इसी डिसीजन को मान लिया जाए कि यही डिसीजन आएगा, सारे लोग अयोग्य करार दे दिए जाएंगे, तो जो संकट नहीं, सारे नहीं, 16 एमएलए, तो वो जो लोग 16 लोग जो अगर अयोग्य करार दे दिए जाएंगे, अगर यही मान लिया जाए, तो जो संकट उत्पन्न होगा, देखिए भारतीय राजनीति में मैंने देखा है यहाँ पे कि आप 2/3 या एक अमुक संख्या पकड़ लीजिए, 10, 20, 25, 50 जो भी हो, सिचुएशंस ऐसी भी बनती है ना कि नेता लोग अपने स्वार्थ में कहीं पे भी मूव कर जाते हैं। यहाँ पे ऐसे भी होता है कि बिहार में आप देखिए ना, नीतीश कुमार को सबसे ज्यादा कम वोट वगैरह मिले थे, लेकिन मुख्यमंत्री वो बने, एज ए रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट, टॉप पे वो बैठे रहे, सदन के पूरे नेता वो बने रहे। तो इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि पवार के अंदर, पार्टी के अंदर जो शरद पवार की पार्टी है एनसीपी, देखिए जो प्रफुल्ल पटेल जी हैं उनकी हालत समाजवादी पार्टी के शिवपाल चचा की तरह है। ठीक है, वो बड़े इंपॉर्टेंट कैरेक्टर रहे हैं, उन्होंने पार्टी को बनाया, और शरद पवार जी का ये कहना कि जो मैं चाहूंगा वो होगा, ये उनका एक बहुत बड़ा अधिकार है, उन्होंने पार्टी खड़ी की है और होना भी यही चाहिए कि जो वो चाहे सारे लोग माने। अब यहाँ पे देखिए, शरद पवार एक तरफ हो गए, उनकी बेटी एक तरफ हो गई, उसकी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, उनके भतीजे की अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, प्रफुल्ल पटेल भले ही फ्रंट पे नहीं आ रहे हैं, उनकी भी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। ये चतुर्कोणी जब मुकाबला होगा ना, तो वहां पे कुछ भी हो सकता है। तो असंभव तो मैं अभी कुछ भी यहाँ पे नहीं बोलूंगा कि इतने नहीं टूटेंगे या इतने जुड़ेंगे, गद्दी का लालच ऐसा होता है। मैंने बोला जेडीएस का, आप देखिए पिछली बार क्या हुआ था, जेडीएस की एक सीट आए या 10 सीट आए, जो भी आए, कोई भी उसको मुख्यमंत्री पद ऑफर कर दे, वो उसी को छोड़ देंगे, उसी को ज्वाइन कर लेंगे, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो या कोई, उनकी आइडियोलॉजी थोड़ी है कोई। यहाँ पे आइडियोलॉजी की लड़ाई नहीं है एनसीपी में, यहाँ लड़ाई है कि कौन अब फ्यूचर का नेता होगा, एनसीपी को कौन लीड करेगा। और उसके लिए मैं बोलता हूँ कि अगर बीजेपी ये ऑफर दे दे कि भाई तुम इतने लेकर के आओ, हम सबको मंत्रिमंडल का वो देंगे और तुमको मुख्यमंत्री बनाएंगे, 2 मिनट के भीतर सारे लोग मूव कर जाएंगे साहब। ये डिपेंड करेगा क्या बातचीत हो रही है लोग सारे लोगों के बीच। नहीं, पर 66 में 2/3 है जी, ये कोई इतना आसान काम नहीं है जितना आप सोचते हो। नहीं है, देखिए मैं आपको बताऊं, इंदिरा गांधी जब हारी थी तो उनका कम बैक होना, वापसी होना, जेपी वगैरह आंदोलन चला था, आसान नहीं है। भारतीय पॉलिटिक्स में आसान कुछ भी नहीं है। यहाँ बनी पास को पास पास भूल जाइए, इंदिरा गांधी का जो मैं वहां पर था और बड़ा क्लोजली इन्वॉल्व था जी, धवन वॉज अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन, आई वॉज वेरी क्लोजली इन्वॉल्व, मुझे पता है वहाँ पर ये मुरारजी देसाई की बेवकूफियाँ थी जिन्होंने वहाँ पर लोगों को इस तरीके से किया। एक दिल्ली में ना फ्लड आया था उस टाइम पर, बहुत बड़ा,
तो इंदिरा गांधी पैदल हाथी पे चढ़ के, नावों पे चढ़ के लोगों के बीच में हर जगह पर गई। वो एक इमेज था, एक टाइम बनाया। अब वो टाइम बदल गए हैं, अब टाइम आ गया इस वक्त जी अपना सोशल मीडिया का। तो वो पुरानी एग्जाम्पलें हम देते रहते हैं, 1950 में ये हुआ, 60 में ये हुआ जी, जयप्रकाश नारायण ने ये कर दिया, ये कोई बातें आज के टाइम पर सूट नहीं करती। आज की जो बात है, 66 में से 2/3 अगर आपने लेके जाना है तो यू आर टॉकिंग नियर अबाउट 44 MLAs। डॉक्टर साहब देखिए, शिवसेना जो था, मैं खुद इस चीज से बड़ा कन्विंस था। मैं बॉम्बे में कई साल था, ऐसी तूती शिवसेना की बोलती थी कि मैं कभी इमेजिन नहीं कर सकता था कि ये कंडीशन शिवसेना की हो जाएगी। और बड़े जल्दी, बाला साहब के देहावसान के बाद बहुत जल्दी, कुछ सालों में ही हो गया। सबसे बड़ी दुर्घटना भारतीय राजनीति में अगर मैं मानूंगा तो शिवसेना का पतन मैं मानूंगा। किसी पोलिटिकल पार्टी का पतन जो हुआ है वो शिवसेना का सबसे भयंकर एग्जाम्पल है, वर्स्ट एग्जाम्पल, वर्स्ट केस सिनेरियो। अगर वो हो सकता है महाराष्ट्र में, तो वही महाराष्ट्र की धरती है। महाराष्ट्र की धरती को मुंबई को माया नगरी बोलते हैं, मामा मारिच वहीं रहता था, नासिक में रहता था। तो वो मायावी शहर है, मायावी प्रदेश है, माया क्या गुल खिलाती है अब वो माया ही बताएगी। थोड़ा सा समय का इंतजार कर लीजिए, लेकिन चलिए पॉसिबल शिवसेना का पतन हो सकता है। तो उसके कंपेरिजन में ये टास्क जो आप बता रहे हैं 2/3, ये बहुत छोटा टास्क नहीं है। नहीं शिवसेना में बाल ठाकरे जब तक थे वो अलग बात है, अभी तो पवार साहब बैठे हुए हैं। आई डोंट थिंक 44 MLAs कैन गो। आपका क्या ख्याल है प्रेम कुमार जी आखिर में? जी, मैंने पहले भी कहा कि जैसे ही ये घटना घटेगी, सुप्रीम कोर्ट वाली 16 सदस्यों की अयोग्यता वाली, वैसे ही सरकार अल्पमत में आ जाएगी और बहुसंख्यक महाअघाड़ी के समर्थन में होगा, उसके पक्ष में होगा। अब ये स्थिति तभी बदलेगी जब 2/3 मेजोरिटी जैसी तोड़फोड़ हो, तो उसकी तैयारी को ही शरद पवार ने नेस्तनाबूत किया है। अभी जो घटनाएं घटी हैं, अध्यक्षता छोड़ने और उसको फिर से कबूल करने की, तो उस तैयारी पर उन्होंने पानी फेर दिया है। अब ये असंभव लग रहा है, यही वजह है कि ये घटना इतनी महत्वपूर्ण है। वरना एक नेता के अध्यक्ष पद छोड़ने और 2 दिन बाद मान जाने, इसको लोग हास्यास्पद भी मान सकते थे, मजाक में भी ले सकते थे, लेकिन सारे लोग गंभीरता को समझ रहे हैं, इसलिए ये एक गंभीर घटना मान रहे हैं शरद पवार के इस पद को छोड़ने और स्वीकार करने। इसलिए असंभव है कि उस एनसीपी टूट जाएगी और वो बीजेपी की सरकार बनाने में काम आ जाएगी। अपने मिश्रा जी, आखिर में 1 मिनट में आपके क्या कमेंट्स, फिर प्रेम जी के कमेंट्स। देखिए साहब, कर्नाटक इलेक्शन वाकई में हम लोगों को देखना चाहिए, हमने ओपिनियन दे दिया, और स्टडी करना चाहिए कि क्या होता है। अगर अब की बार बीजेपी फिर जीती या मेजोरिटी आई, तो जो चीजें हम लिए हैं उस हिसाब से हम लोगों को एक नए सिरे से सोचना चाहिए। दूसरी चीज एनसीपी का ये है, देखिए इनके भतीजे ने पहले भी एक बार ट्रायल किया था, कोशिश की थी, ठीक है, वो उस वक्त कंडीशन कुछ और थी, आज की कंडीशन कुछ और है। भारतीय राजनीति बड़ी अवसरवादी है। एक चीज ये देखिए, इनके भतीजे, इनकी भी उम्र हो चली है, किसकी ख्वाहिश नहीं होती है कि हमें सीएम बने। शिंदे साहब अभी जो है, क्या है वो सीएम मेन, तो उनका व्यक्तिगत देखा जाए तो सीएम का कुर्सी होता है ना। उद्धव ठाकरे भी आए तो इसीलिए आए कि सीएम की कुर्सी के लालच में आए, कोई पार्टी को संभालना ये सब करना। उद्धव ठाकरे परिवार से कभी सीएम कोई नहीं बनता था, तो कुर्सी का जो लालच होता है ना, वो कुछ भी यहाँ पे करवा सकता है। ठीक है, अभी हमें ये सब खेल रातों रात होते हैं डॉक्टर साहब, ये सब खेल कोई मीडिया पे बहस करके नहीं होता है। जिसको जाना होता है वो तैयारी करके रखता है, और पता चला सुबह उठे वो किसी दूसरे के साथ चला गया। तो देखना होगा, मैंने आपको बताया माया नगरी है, माया क्या गुल खिलाती है, देखते हैं। प्रेम जी आखिर में। जी, मैंने बहुत पहले ही ये प्रेडिक्ट कर रखा था कर्नाटक चुनाव को लेकर के, उसको रिपीट ही करता हूँ कि 50 सीट भी अगर बीजेपी ले आती है कर्नाटक में, तो ये बहुत उसके लिए संतोष की बात होगी। ये बात मैंने तब कही थी जब बल्कि चुनाव प्रचार शुरू भी नहीं हुआ था, उस समय ही मैंने कही थी, और उसके बाद से लगातार ऐसी घटनाएं घटी हैं जो हमारे इस एनालिसिस को स्ट्रॉन्ग करती गई है। इसलिए मैं उस पर कायम हूं कि 50 सीट अगर बीजेपी ले आती है तो कर्नाटक में बड़ी बात होगी, और इस चुनाव नतीजे का
2024 की तैयारी में दोनों को फर्क पड़ेगा, बीजेपी के पास भी फर्क पड़ेगा और इधर कांग्रेस और क्षेत्रीय पार्टियां हैं उस तरफ भी फर्क पड़ेगा। मैं दो और नहीं बल्कि तीन के में बता रहा हूं, तो इस हिसाब से भी कर्नाटक जो है महत्वपूर्ण है उसके चुनाव। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। जब भी हमें हम आपको याद करते हैं, आपकी कृपा होती है हमारे पर, आप आ जाते हैं, इसलिए आपका दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। एंड हैव ए नाइस नाइस गुड नाइट स्लीप। थैंक यू डॉक्टर। प्रोग्राम आप देख रहे थे ब्रेन बस्ट, और हर शुक्रवार को इस प्रोग्राम को आप देखते हैं। आप इस प्रोग्राम को हेल्प करिए, आपकी हेल्प की बड़ी सख्त ज़रूरत है, इसको हेल्प करिए। हेल्प क्या है कि आप जब भी इस प्रोग्राम को देखें यूट्यूब के ऊपर, तो सब्सक्राइब करें, वो बटन दबाएं, और फाइनेंशियली हेल्प तो आजकल आपकी तरफ से ना के बराबर है, लेकिन कम से कम ये हेल्प तो आप कर सकते हैं अपने दोस्त मित्रों को कह के। इसका जो व्यूअरशिप है वो तो 1 मिलियन आप कर सकते हैं। हिंदुस्तान में मैंने देखता हूँ कि जो भी आदमी उठता है, लड़का लड़की, उसके 1 मिलियन 2 मिलियन 3 मिलियन बन जाते हैं। और ये प्रोग्राम आपको 10 साल से टैग टीवी आपकी सेवा में हाजिर है, आप इसको भी आगे लाने की कोशिश करिए। इन्हीं वर्ड्स के साथ मैं आपको वीकेंड की शुभकामनाएं देता हूँ एंड विश यू ऑल द बेस्ट। सब्सक्राइब टैग टीवी यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बटन।